वेलकम टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो, आज मैं अपने रांझे का आपको टॉप स्पीड बताऊंगा कि इसका जो टॉप स्पीड वो कितना चाहता है। तो चैनल पे बने रहिए गाइस, आपको टॉप स्पीड पता चलने वाला है थोड़ी देर तक। हो सके अगर आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियोस जो हैं वो मेरी अच्छी लगती हों, इन्फॉर्मेटिव लगती हों, तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो को भी, और कमेंट करके कुछ क्वेरीज है वो बोल सकते हो, और आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। बने रहिए गाइज़ वीडियो में। गाइज वीडियो जो मैं अभी इसका टॉप स्पीड में चेक करने वाला, वो मैं जो तभी पुल है उस पर चेक करूंगा कि कितना जाता है। वैसे पहले मैंने चेक किया हुआ है, इस बाइक को मैंने 125 पहुंचाया हुआ है स्टार्टिंग में, बट थोड़े पहले मैंने देखा था 115 से ऊपर नहीं जा रही थी बाइक। तो आप देखते हैं आज साइलेंसर चेंज करने के बाद कितना जाता है। जो 115 जा रही थी वो जा रही थी जब इस पर आवाज़ कम वाला साइलेंसर लगा था। आप देखते हैं कितना जाता है बाइक साइलेंसर के साथ। गाइस मीटर जैसा आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, ठीक है, ये 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 तक इसका मीटर है। बट जैसा आप सबको पता है, वन जितना मीटर होता है उतनी बाइक या गाड़ी नहीं जाती है, कोई कोई ही रेयर होती हैं जो जाती हैं गाड़ी। अब इसका देखते हैं कि जा सकती है नहीं। बाकी गाइस हैंडल का सब कुछ लोग पिछली वीडियो में बोल रहे थे, हैंडल बहुत सेक्सी है। ये 350 का हैंडल है, और ये हैंडल गाइस थोड़ा सा डिफेक्टिव था, बट मैंने इसको रिपेयर करवा के इसको निकल करवा के रखा, क्योंकि ये हैंडल मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, यूनिक है ये हैंडल। अब नहीं मिलता मार्केट में ऐसा हैंडल, मिलेगा आपको इस शेप में, बट ये जो फील देता है हैंडल, ये वाला फील नहीं मिलेगा आपको किसी भी हैंडल में। ये मैं लगता है पूरे वर्ल्ड में एक ही हैंडल है। कैसा लगा मेरा मजाक? शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत हैंडल्स देखे हैं मैंने जो मिलते हैं मार्केट में, बट ये वाला हैंडल इज़ यूनिक, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हैंडल है गाइस। चलो गाइस अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ टॉप स्पीड इसका, ठीक है। चलो गाड़ियाँ इतनी हैं, गाइस 110 तक गया, उसके बाद ब्रेक मार दी मैंने। 120 तक ये बाइक जाती है। आगे वाले पुल पे दिखाता हूँ आपको फिर से खींच के। इधर एक्चुअली बहुत सारे कट्स हैं तो उसकी वजह से खींचा नहीं जा रहा, बट कोई नहीं, अब खींचेंगे, इस पुल पे खींचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें इस पुल पे बहुत ही ज़्यादा जंप्स हैं, जिसकी वजह से स्पीड अपना कंटिन्यू नहीं रख सकता। अब उतराई पे देखते हैं गाइस। गाइस 115, 116 तक चला गया था, बट ये जो जगह है इधर आपकी बाइक थोड़ा मुश्किल ही है कि जा पाए। इधर तो मुश्किल है गाइस, किसी ने सिद्धड़ा ले जाएंगे, उधर चेक करेंगे इसकी सही स्पीड, इधर स्पीड का पता नहीं चल रहा है सही से, बट कोई ना, बनाएंगे वीडियो, टॉप स्पीड दिखाएंगे आपको क्या है इसकी टॉप स्पीड।
बट गाइस हैंडल का लुक चेक करो यार, कसम से बहुत ही ज्यादा ऑसम है यार। गाइस आप बने रहिए मेरे चैनल में, अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोला भी नहीं जा रहा, और वीडियो को आप लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी हो। 115 तक अभी गई है गाइस, अगर थोड़ा बहुत प्लेन रोड होता तो ये 120-125 पहुंच जाती बाइक, ठीक है 125 तक अगर ये चले जाती तो फिर दैट इज सही। किसानी गाइस क्रूजर बाइक है, इनकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए गाइस इतनी चलानी, इतना इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए, बट मैंने सिर्फ कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो गाइस ये बाइक सिर्फ आज से चलाने के लिए 60-70 तक, ठीक है, और उसी में मजा आता है, ज्यादा तेज चलाने में कोई मजा नहीं आता। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला ओल्ड मॉडल रॉयल एनफील्ड पे, ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।